हेलो फ्रेंड्स, रितुस किचन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांत आने ही वाली है, जिसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और मावा के लड्डू। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। यह बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और सॉफ्ट लड्डू हैं। इन्हें हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं तिल और मावा के लड्डू। सबसे पहले गैस पे हमने पैन रख दिया है, गैस हमने सिम की है और इसमें हम 2/3 कप सफ़ेद तिल है। ये हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा भूनने पे ये कड़वे हो जाते हैं। सिर्फ हल्का सा, जब तक ये फूलने लगेंगे तब तक ही हमें भूनना है इसे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, तिल भून गए, हमने गैस बंद कर दिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना इन्हें। देखिए तिल को थोड़े फूल गए हैं ये, बस ना ही इनका कलर चेंज करना है हमें। अब इन्हें ठंडे करने रखना है। तिल ठंडे हो गए, अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। हमने 2 से 3 चम्मच तिल रोक लिए हैं जो हम साबुती यूज़ करेंगे, बाकी हमने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें पीस देंगे। देखिए ये पीस गए हैं। इन्हें अगर हम गर्म ही पीसते तो ये तिल अपना ऑयल छोड़ देते, इसीलिए हमने ठंडा करके पीसा है इन्हें। तो एक पाउडर फॉर्म में तैयार हो गए हैं ये। अब हम मावा भूनते हैं। हमने गैस ऑन कर दी है, इस पर पैन रख दिया है, हमने 2/3 कप खोया लिया है, ये हमारे घर का खोया है, हमने घर पे ही बनाया इसे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इसे सेम गैस पे ही भूनेंगे। देखिए खोया रूम टेम्परेचर में रखा हुआ था, इसीलिए मेल्ट हो गया जल्दी। थोड़ा भूनेंगे इसे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। खोया भून गया है, बस हमें इतना ही भूनना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हम अब करते हैं आगे की तैयारी। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। ये हमने 3-4 काजू और 8-10 किशमिश ली थी, जो हम इसमें डाल रहे हैं, काट दिया जिसे हमने। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जो हमने तिल पीसे थे ये वो हैं। अब ये साबुत वाले तिल जो हमने छोड़े थे ये भी इसमें डाल देते हैं। 1/2 कप हमने ये चीनी पाउडर लिया है, आप इसकी जगह बूरा या देसी खांड भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। खोया गरम है इसीलिए ये आसानी से मिक्स हो जाएगा सारी चीज। देखिए ये जुड़ रहा है। अगर आपका इस तरह ना बंधे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध भी मिला सकते हैं। सारा मिश्रण तैयार है, अब हम इसके लड्डू बांधते हैं। देखिए आसानी से बन रहे, जिस साइज के आपको बनाने हैं उस साइज के लड्डू बनाइए आप। हम छोटे साइज के बना रहे। लड्डू तैयार है, ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेते हैं। सारे लड्डू तैयार हैं, अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। देखिए संक्रांत स्पेशल तिल मावा लड्डू तैयार हैं। आप इसे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसे लगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।